अच्छा फिर के रोज वीडियो बनाओ फिर तो कि बॉईल करना है अपने पानी में और पी लेना है इसी तरह की सब दवाइयां ना पांच पांच दाने सारे ने पाने फिर पा पा पानी काढ़ना उसकी जितना होए कप रही तो उसी दो पीना रोज जी ये चमन प्राश है चमन एक चम्मच ये दो दो टेबलेट एक मिनट सर दो दो चमन प्राश हो गया बस सर आयुष COVID-19 डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर खाली अंजुम बोल रहा हूँ। हमने हमारे कल हमें जो इम्यूनिटी बूस्टिंग कल मेडिसिन और पहुंची हैं डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ से डॉक्टर मोहन सिंह साहब की हदायत पे और रेडियो में पूछ डॉक्टर गुलाम हैदर शाह साहब की क्यादत में हम ये इम्यूनिटी बूस्टिंग अद्वियात जो हैं आज हमने SSP पुंच जनाब रमेश अंग्राल साहब और DC पुंच उनके ऑफिस में और पुलिस के जितने भी हमारे वहाँ पे एम्प्लाइज थे उन तक हमने पहुँचाने की कोशिश की है क्योंकि उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और इसी तरह DC ऑफिस सेक्रेट में जो काम कर रहे हैं एम्प्लाइज उनको भी और DC साहब को भी उनके जो आगे ऑफिसर्स हैं उनको भी हमने यादवियात पहुंचाई हैं ताकि वो कोरोना से बच सकें और पब्लिक डीलिंग है उनकी पब्लिक के साथ उनका डायरेक्ट रब्ता रहता है। पुलिस के जितने पर्सनल्स हैं हमारे वो नाकू पे काम करते हैं उन तक भी हम पहुंचाएंगे और हमारा ये इम्यूनिटी बूस्टिंग अद्वियात की जो तकसीम का काम है ये चलता रहेगा और हम सेकंड फेज में अब पहले हम बांट चुके हैं एक बार दोबारा फिर हमारे पास काली मेडिसिन पहुंची और आज से हमने ये रूटीन में शुरू कर दिया। हमारे साथ डॉक्टर मंजूर थे डॉक्टर विमल थे आजम साहब थे फार्मासिस्ट तो सभी लोग हम आयुष डिपार्टमेंट और इसी तरह मेंढर पुंछ और सुनकोट में जो हमारे डॉक्टर्स हैं आयुष के उन तक पहुंचाएंगे ताकि वो डिस्पेंसरीज में भी और फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी ये मेडिसिन जो दे सके जिसकी वजह से इम्यूनिटी स्ट्रांग रहो और वो कोरोना से बच सके। लॉकडाउन में जो रिलैक्सेशन थोड़ी मिली है उसकी वजह से लोगों ने ये समझ लिया कि हम बिल्कुल अभी ये ऐसी कोई है नहीं। ये देखिए ये डिजीज़ जो है ऐसी है कि जो बंदा इन्फेक्टेड है उसको खुद पता नहीं मैं इन्फेक्शन है। अभी जो केसेस आ रहे हैं जो लेटेस्ट हमारे पास आ रहे हैं केसेस उनमें देखिए आप कि वो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं कोई सिम्टम ही नहीं है और उसका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो लोगों से ये गुजारिश है कि देखिए इसका नाजायज फायदा मत उठाइए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको रिलैक्सेशन दी है तो आप घरों से बाहर मत निकलिए और अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए। छोटे बच्चे और बुजुर्गों का ज्यादा एहतियात करनी चाहिए और गैदरिंग सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल सैनिटाइजर को बार बार आप इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें सामाजिक दूरी रखें ताकि आप बढ़ सके। घरों जैसे बाजार में देख रहे हैं बहुत रश है हॉस्पिटल में रश है उसके साथ बैंक्स में बहुत रश कर दिया है लोगों ने दुकानों पे चार चार पांच पांच लोग इकट्ठे खड़े हो जाते हैं तो पता ही नहीं कौन इन्फेक्टेड है तो उससे तो बहुत तेज से फैलेगा। ये जो केसेस बाहर से आ रहे हैं ये एक तो ट्रैवल हिस्ट्री है इनकी तो इनसे तो दूर रहना ही है आपको लेकिन उनसे नफरत नहीं करना है। हमें चाहिए कि उनको भी हिम्मत बढ़ाए उनको भी बूस्ट करें ताकि वो इन इस जो परेशानी की हालत में अगर हम उनको सहारा देंगे उनके साथ हम हमदर्दी से काम आएंगे उनका ट्रीटमेंट जितना हो सके वो करेंगे तो वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे।